दर्शकों मैं प्रकृति मोहन आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में दर्शकों हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है स्वाइन फ्लू और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर उषेंद्र शर्मा जो कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन डिपार्टमेंट में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हैं डॉक्टर शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में देखिए डॉक्टर शर्मा जैसे कि हम जानते हैं कि बरसातें चल रही हैं और बरसातों में डेंगू मलेरिया सर्दी ज़ुकाम स्वाइन फ्लू इस तरह के जो रोग हैं वो काफ़ी देखे जाते हैं सुने जाते हैं कि बढ़ गए हैं आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये स्वाइन फ्लू है स्वाइन फ्लू ये क्या है और ये ये शुरू कैसे हुआ है कहाँ से शुरू हुआ है ठीक है नमस्कार Uh, सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूँगा सभी का देवीय सजने सज्जनों का जो हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं uh, सबसे पहले संक्षिप्त जानकारी थोड़ी सी इसके बारे में बता दूँ कि ये किस तरह का एक uh, कीटाणु है जी। तो वायरल इलनेसिस में आता है ये वायरल इन्फ्लुन्जाज़ जो हैं वो uh, काफ़ी टाइम से जो है वो एक तरह से उत्पात मचाते आए हैं पूरे संसार में जी, जी। तो सबसे पहला जो रिपोर्टेड था केस वो उन्नीस में जो बहुत डेंजरस एपिडेमिक पूरे संसार भर में आया था और स्पेनिश फ्लू के नाम से उसे जाना गया था जी। तो ये एक तरह का वायरल इलनेस है और इसमें इन्फ्लुएंजा के डिफरेंट प्रकार हैं इन्फ्लुएंजा ए इन्फ्लुएंजा बी और उसमें भी सब टाइप्स हैं स्ट्रेन हैं, एच वन एन वन है एच थ्री एन वन है एच टू एन वन है अब एच फाइव एन वन जो था वो बहुत डेंजरस था कोविड एच फाइव एन वन तो ये इस तरह के स्ट्रेन जो आते हैं आगे वो म्यूटेट करके जो आते हैं डिफरेंट आ, अलग अलग प्रकार के जो स्ट्रेनज आते हैं वो अलग अलग प्रकार के जो है वो हमारे आ, जो इलनेसिस करते हैं हमारे थ्रोट में लंग्स में और रेस्पिरेटरी सिस्टम की हाँ जी जैसे आपने बताया कि ये इसके जो ये स्ट्रेन्स हैं ये म्यूटेट करते हैं देखिए हमें तो सही मायनों में तब पता चला जब ये कोविड फैला था कि इसके भी स्ट्रेन होते हैं वेरियंट्स होते हैं जो समय समय पर अपने आप को म्यूटेट करते हैं आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये म्यूटेशन होती है म्यूटेशन का मतलब हम आ, सिंपल सी भाषा में ये समझते हैं कि अपने आप को जो ये वायरस है ये थोड़ा बदलाव लेकर आता है तो ये जो बदलाव आता है क्या ये ज्यादा खतरनाक हो जाता है ये वायरस या फिर थोड़ा कम खतरनाक रहता है देखिए वायरसेस हैं हैं जिसे बोलते सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी पे ये जी, भी चलता है जी जी एक इंसान है वो अपने को चेंज कर लेता है कहीं किसी भी पर्यावरण में रहने के लिए तो ढल जाता है जी, उसी तरह से एक नेचुरल मैकेनिज्म इन, इनके अंदर भी आरएनए डीएनए वायरसेस हैं आरएनए एन वायरसेज जो डिफरेंट तरह की म्यूटेशन से हम अपने को चेंज कर लेते हैं एक अपने जो होस्ट में जाने के लिए उसमें अटैक करने के लिए उसमें अलग तरह की बीमारी करने के लिए जी। ताकि उनका सर्वाइवल हो सके नहीं तो क्या होता है कि वायरसेस जो है वो म्यूटेट करके कमजोर भी हो सकते हैं और वायरसेस ही जो म्यूटेट करके जो है वो विरुलेंट फॉर्म भी ले सकते हैं जो ज्यादा खतरनाक होती है जी, हाँ जी। आ, क्या ये आ, मतलब लाइफ के लिए एक थ्रेट है मतलब इससे क्या जान भी जा सकती है अगर ये ज्यादा अपने डेंजरस फॉर्म्स में ये वेरिएंट्स आ जाएं इस वायरस हाँ के? जी तो जान जाने का ऐसा है कि डिपेंड करता है कि किस इंसान को इसने इन्वेट किया है इसका स्ट्रेन कितना खतरनाक है और किस इन्वायरमेंट में वो अटैक किया है इन्वायरमेंट मतलब बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा जिस जहाँ ऑक्सीजन की कमी है उस इन्वायरमेंट में इसने अटैक किया है और उस इन्वायरमेंट में अटैक किया है जहाँ पर फेफड़ों की समस्या बहुत ज़्यादा है या इंसान को एक आदमी को मरीज को फेफड़ों की समस्या पहले ही है जी। तो उसमें जान जाने के बहुत अधिक चांसेस है जी। यंग फिट इंडिविजुअल में होगा तो माइल्ड से लक्षण आएंगे और माइल्ड से लक्षण आने में अक्सर्दी खांसी जुकाम आने में दो तीन दिन लगेंगे और वो हफ्ते के अंदर अंदर चला जाएगा जी आ, तो अब हमें आप लक्षण भी बता दीजिए कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं बिल्कुल तो लक्षण में ऐसा होता है कि जब भी एक इन्वायरमेंट में ये फैलता है तो ये बहुत जल्दी फैलता है तो उसमें क्या देखा गया है कि एक स्टडी भी हुई थी जिसमें इंफ्रा रेड रेज के जरिए देखा गया था जी। तो एक इंसान से दूसरे इंसान जाने में विदिन मिली सेकेंड ये एकदम से संचार चला जाता है जी। तो लक्षण में जिसमें आदमी में छींके आ रही होंगी जुकाम आ रहा होगा उसको विशेष ध्यान रखने का जरूरत है कि क्योंकि उसके साथ वाले इन्वायरमेंट में बहुत जल्दी ये बहुत तेजी से फैलता है वो लक्षण क्या है उस लक्षण में सबसे पहले क्या होता है कि थकावट आना शुरू होती है एक दिन के अंदर अंदर थकावट आना शुरू हुई एक से चार दिन के अंदर अंदर लक्षण आना शुरू हो जाते हैं और दो दिन के अंदर जो है सिवियर लक्षण आ जाते हैं लक्षणों में खांसी है जुकाम है फीवर आता है कई बार क्या होता है कि बहुत तेज बुखार आता है 101 डिग्री से अधिक बुखार होगा पसीना बहुत ठंड दे के आएगा नींद का ना आना भूख ना लगना कई बार वॉमिटिंग होना क्यों करता है वॉमिटिंग क्योंकि कंजेशन हो जाता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में नाक से लेके थ्रोट तक और लंग्स तक जब कंजेशन हो जाता है पेट तक तो वो जो खाना है पानी है तरल पदार्थ है वो सब जो है वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं जी। तो वॉमिटिंग खांसी सर्दी जुकाम बुखार बहुत थकावट होना बहुत पसीना आना नींद ना आना ये इसके लक्षण मेन है बाकी निमोनिया होना निमोनिया बहुत वेंटिलेटर तक जा सकता है तो वो सीवियर एक लक्षण है तो वो भी होता है आजकल हमने कोविड में देखा कि वो भी एक तरह का बहुत जो सिवियर लक्षण था एकदम से प्रेजेंट किया लोगों में जी। तो वो भी एक, एक जानकारी देना जरूरी है कि निमोनिया भी हो सकता है जिसमें एकदम से अटैक कर जाए लंग्स में फेफड़ों में और माइल्ड लक्षण से भी स्टार्ट हो सकता है जी देखिए आपने बताया कि ये मिलीसेकंड्स सेकेंड्स में ये एक से एक इंसान से दूसरे इंसान को ये कम्युनिकेट हो जाता है अब मैं एक उदाहरण लेना चाहूँगी मान लीजिए कि मैं इससे ग्रस्त हूँ इस स्वाइन फ्लू से और मैं यहाँ बैठ के मैंने छीका तो ये आप तक पहुंचने में कितना समय लगाएगा ये वायरस देखिए मुझे मुझे तक सम, पहुंचने में तो ये उसी वक्त पहुंच गया जी, within, मतलब जैसे जी जी मतलब जैसे ही लेकिन उसमें डिपेंड करता है वायरल एक्सपोजर टाइम हुँ. और क्लोजनेस हुँ. तो वायरल एक्सपोजर टाइम अगर ज्यादा होगा आधे मिनट से ज्यादा होगा जैसे बैठे हैं एक दो मिनट का डिस्कशन है या आपस में ओवरक्राउडेड क्राउडिंग एनवायरमेंट में है प्रॉपर एयर का संचार हवा का संचार नहीं है खिड़कियां बंद हैं ओवर क्राउडेड प्लेस है जहाँ पे ऑक्सीजन भी कम है वहाँ पे यह वायरस जो है ज़्यादा जल्दी ट्रांसमिट करेगा और ज़्यादा जल्दी जो है इनोकुलेट करेगा इनोकुलेट का मतलब कि वो नाक में रेस्पिरेटरी पैसेजेज में अंदर थ्रोट में जल्दी वो जाएगा। हो जाएगा और एकत्रित हो जाएगा जी Uh, अपने सिम्टम्स जो बताए आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये सिम्टम्स uh, होते हैं क्या वो बच्चों में अलग और बड़ों में अलग होते हैं या फिर सेम भी होते हैं हाँ ऑलमोस्ट सेम होते हैं बच्चों में क्या होता है कि क्योंकि रेस्पिरेटरी म्यूकोजा और गैस्ट्रिक और बाकी जो है वो थोड़े सेंसिटिव है ग्रोइंग ईय में है तो बच्चों में वॉमिटिंग हाई ग्रेड फीवर ज़्यादा हैं वामिटिंग मैं सबसे पहले रखूंगा कि बच्चों में उल्टी का लगना सबसे पहले है क्योंकि बड़ों में वो एडेप्टिव मैकेनिज्म आ जाते हैं तो वॉमिटिंग और जो हाई ग्रेड फीवर है वो थोड़ा लो ग्रेड आता है पहले लेकिन बाद में बड़ों में भी हाई ग्रेड आ सकता है पर बच्चों में हाई ग्रेड क्योंकि वो इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है बच्चों जी, में जी, और उसके बाद जो है बाकी खांसी सर्दी जुकाम निमोनिया वो सेम है बच्चों में भी एक से चार दिन का समय लगता है बड़ों में भी एक से चार दिन का समय लगता है जी इसके क्या कारण रहते हैं मतलब ये स्वाइन फ्लू होने के और या फिर फैलने के कुछ आपने रीजंस तो बता दिए हैं आपसे थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहेंगे हाँ। बिल्कुल जो जब उत्पत्ति हुई इसकी वायरस की तो देखा गया सबसे पहले तो पता नहीं चला इतनी ज़्यादा डेथ्स हुई 1918 में फिर 1976 में अमेरिका में आया उन्नीस सौ से पहले आया 2009 में एच वन एन वन इसकी स्ट्रेन की पुष्टि हुई उससे पहले भी हो गया था कि ये इन्फ्लुएंजा का को कोई प्रकार है बट उस टाइम जब हुआ तो क्या हुआ कि पहले देखा गया कि एनिमल्स जी। जो पशु हैं उनमें ये सबसे ज्यादा पाया गया जब स्टडी हुई धीरे एपिडेमोलॉजिकल स्टडी जिसे बोलते हैं है, तो उसमें क्या देखा गया कि पिग्स सुअरों में देखा गया ज्यादा उसमें ट्रांसमिशन साइकिल देखा गया तो पहले क्या हुआ कि पहले मुर्गो मुर्गियों में पाया गया उससे फिर उसमें वो उनके चाहे मूत्र से है चाहे वो उसके हैंडलिंग से है वो सुअरों में गया पिग हैंडलर्स और एनिमल हैंडलर्स से फिर देखा गया कि वो इंसान में आया आदमी में आया फिर आदमी से फिर आदमी में गया तो आदमी में आदमी से आदमी में जाने में वो चाहे वो आप छींक के ज़रिए सांस के ज़रिए हाथों के ज़रिए एनी कांटेक्ट के जरिए वो जा सकता है इवन जल जनित जो बरसातों में है वो इसमें पानी से सबसे ज़्यादा देखा गया है तो पानी की समस्या सब जगह है पानी का ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा होता है तो पान चाहे पानी का पीने का पानी है चाहे नहाने का पानी है चाहे किसी और यूज करने का पानी है तो उसमें और मॉइस्चर ज़्यादा है बरसात के मौसम में तो उससे ट्रांसमिशन ज़्यादा देखा गया जी देखिए जैसे मतलब पानी का हम इस्तेमाल करते हैं वो तो घर घर में पानी आता ही है तो ये किस तरह से ट्रांसमिट होता है क्योंकि अगर मान लीजिए ये पानी में है तो क्या ये जिंदा रहता है पानी में या फिर कोई टाइम लिमिट है कि इस समय तक ये जिंदा रहेगा पानी का क्या है कि जहाँ पे भी वाटर रिजर्वयर्स हैं जी जितने ज़्यादा वो एक जगह एकत्रित होंगे वहां पर वायरस ज्यादा पन पनपेगा और बरसातों में इस तरह के पॉकेट्स बहुत ज्यादा होते हैं जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता जी, अगर जी। तो पानी बहता पानी है तब ये नहीं जीवित रह पाता पर डॉक्टर साहब जो रिजर्व है वहाँ तो फिर पानी मतलब तो तो उसको स्टील वाटर में क्या रहता है कि अगर तो प्रोसेसिंग प्लांट है बॉडिया हैं कई चीज़ें हैं उसमें तो चलो डिसइंफेक्टेड मेजर्स रहते हैं उसमें क्लोरीन भी डाला जाता है उसमें लेकिन बरसातों में जो पॉकेट्स बनते हैं जी। जो नालियाँ हैं वो रुक जाती हैं जो बाकी जगह बाहर का आजकल समस्या आ रही है कई जगह वैसे ही एकत्रित रास्ते में हो जाता है तो वो ज़्यादा पॉकेट्स खतरनाक डेंजरस है और पानी इसलिए पानी का माध्यम ये वायरस ज़्यादा आसानी से ट्रांसमिट होता होता है है, क्योंकि ये मॉइस्चर पानी एक तरह से वाष्पीकरण होता है बरसात में और उससे ट्रांसमिट जल्दी हो जाता है क्योंकि इसमें एक मीडियम चाहिए होता है वायरस को एक किसी भी कीटाणु को ट्रांसमिट करने के लिए एक माध्यम चाहिए जी। तो एक पानी का माध्यम सबसे आसान जरिया है आसान है और शायद बेस्ट भी माना जाएगा वायरस के लिए बेस्ट जो ज़रिया है, है। अच्छा देखिए आपने ये बताया कि एयर पॉकेट ये वाटर पॉकेट्स जो बन जाते हैं बरसातों में उनकी वजह से ये ज़्यादा फैलने का खतरा रहता है आ, कोई एक ऐसा कोई तरीका हो जो जिससे कि ये जो वायरस है इसका फैलना रोका जा सके प्रिवेंट किया जा सके इस डिजीज़ को बिल्कुल हमारे पास कई तरह के मेजर्स हैं जो हम बार बार जानकारी देना आवश्यक होता है वैसे तो जनता प्रबुद्ध है सबको पता है बट हैंड वॉशिंग सबसे इंपॉर्टेंट है हाथ का धोना जी अच्छी तरह से खाने से पहले खाने के बाद कहीं पे भी ओवरक्राउडेड प्लेसेस में आप फ्रीक्वेंटली जो है हैंड वॉशिंग करना है अगर नहीं होता तो हैंड सैनिटाइजर आजकल कोविड ने हैंड सैनिटाइजर तो सबको रखना सिखाई है बहुत बड़ी देन है आविष्कार है एक तो वो कर सकते हैं एयर का हवा का संचालन होना बहुत जरूरी है जी, क्योंकि क्या है कि ये ओवरक्राउडेड और एक क्लोज स्पेस में ये ज्यादा फैलता, फैलता है तो खिड़कियों का खुला होना और प्रॉपर वेंटिलेशन का होना बहुत जरूरी है दूसरा है कि जो फूड हैंडलर्स हैं उन्हें भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि ग्लव्स पहने जाए मास्क पहना जाए प्रॉपर सैनिटाइजेशन करी जाए अपने जो भी आप डिस्पोज ऑफ करते हैं चाहे खाने की वेस्ट सामग्री है जो नॉन वेजिटेरियन का हैंडल करते हैं उसकी सामग्री का ज्यादा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से डिस्पोज ऑफ करना है किस तरह से उसको डिसइनफेक्ट करना है और जो आदमी जो ग्रसित है जिसको पहले से ही जुकाम है इंफ्लुएंजा है उसको मास्क लगाने की हिदायत है और थोड़ा सा विशेष रेस्ट करने की जरूरत है और ज्यादा ओवरक्राउडेड प्लेसेस में ना जाने की सलाह दी जाती है जी, देखिए कोई मरीज़ जिसको ये लक्षण आ जाते हैं उल्टी है खांसी जुकाम है हाई फीवर है वो जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो किस तरह से डायग्नोस किया जाता है किस कौन कौन से टेस्ट लिए जाते हैं इसकी जानकारी आपसे चाहेंगे और उनमें मतलब लगभग लगभग कितना घर खर्चा आ जाता है ये बहुत ज़रूरी प्रश्न है क्या होता है कि लोग क्या है कि चलो हम भी ऐसा ही करते हैं तो उसमें क्या है कि घरेलू उपचार पे ज्यादा सबसे पहले ध्यान दिया जाता है और थोड़ा सा उसे ये देखा जाता है कि चलो खांसी जुकाम है उसको ठीक कर लिया जाएगा बट कई बार क्या होता है चलो वो भी ठीक है वो अपनी जगह है बट कई बार क्या होता है सडनली एक कोई जिसकी इम्यूनिटी कम है इंसान की या बच्चों में या बुजुर्गों में सडनली एक निमोनिया एकदम से ये प्रेजेंट करता है निमोनिया के साथ प्रेजेंट करता है जी। तो उसमें क्या रखना पड़ेगा ध्यान कि किसी भी पुरुष स्त्री को अगर ये थकावट पहले से है फीवर आना शुरू हो गया है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए जी। और उसमें कैसे देखना है उसको फीवर आना है खांसी का जुकाम का लगना है सांस फूलना है जी। कोविड में देखा गया सब कुछ ठीक था सडनली सांस फूलना शुरू हो गया इंसान का तो वो तुरंत जो है थकावट का रहना है तो वो तुरंत जो है अस्पताल में निकटतम अस्पताल में जानकारी ले सकते हैं और अपना टेस्ट करवा सकते हैं अब टेस्ट में क्या करेंगे टेस्ट में सबसे पहले तो नेजल स्वैब लेते हैं नेजल स्वैब और थ्रोट स्वैब लिया जाता है जी। अगर उसमें भी नहीं है तो फिर उसमें सीरम आरटीपीसीआर भी कर सकते हैं और इसका आरटीपीसीआर भी एंटीजन टेस्ट भी कर सकते हैं तो डिफरेंट तरह के टेस्ट हैं और एक्सरे चेस्ट छाती का एक्सरे कराना बहुत जरूरी होता है कई बार देखा गया है कि फीवर भी नेगलेक्ट होता है तो कई बार निमोनिया ही एक प्रेजेंटेशन होती है तो एक बहुत जरूरी है कि एक्सरे और बाकी जांच कराई जाए और इसका ट्रीटमेंट के क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं ट्रीटमेंट देखो सबसे पहले वो पता ही है कि आ, सावधानी में ही उपचार है जी. और इज़ बेटर देन है ना तो कहने का मतलब है सबसे पहले तो बचाव हो जाए तो सबसे अच्छा है हुँ. लेकिन अगर आ, हो ही जाए तो उसमें क्या करना है कि रेस्ट लेना है एडुकेट जी फ्रेश फ्रूट्स फ्रेश वेजिटेबल्स सूप्स ले सकते हैं डाइट रेस्ट देखो मैं बोलूंगा कि इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है जी। दवाई का उसके बाद है तो सबसे पहले रेस्ट प्रॉपर लो आ, अपने को आइसोलेट कर देना चाहिए रेस्ट के साथ साथ फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का जिक्र किया उसके बाद आपने मेडिसिन में आप पैरासिटामोल ले सकते हैं कई कई कारणों से अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाए तो उसमें एंटीवायरल्स ले सकते हैं एंटी uh, के साथ साथ इवन निमोनिया हो जाए तो बैक्टीरियल हो जाता है तो एंटी बैक्टीरियल भी ले सकते हैं उसमें तो एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं अब रही बात की बचाव के साथ साथ ट्रीटमेंट के साथ साथ कॉम्प्लिकेशन कैसे बचाई जाए तो उसके साथ साथ आपने अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति ऐसा मिलता है तो तुरंत अस्पताल में दाखिल कराया जाए जी सबसे अच्छा वही इलाज हो सकता है हाँ जी।, जी क्या इससे बचने के लिए पहले से ही कोई वैक्सीन्स बने हुए हैं स्वाइन फ्लू के वैक्सीन्स हाँ। की आ, मतलब जैसे ये तो सीजनल होता है सीजनल भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये ए, मतलब जैसे बरसात होंगी ये तभी ये होगा या फिर मतलब पूरे साल भर भी ये चलता है या फिर हम सिर्फ ये सोचते हैं कि ये सीजनल ही है बाकी नहीं होता है तो पहले मैं ये सीजनल वाले प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा तो सीज़न ये किसी भी सीजन में आ सकता है बट सर्दियों में विशेषकर और बरसात में विशेषकर ये ज्यादा फैलता है जी। सर्दियों में इसलिए कि इसका टेम्परेचर एडिकुएट है सर्वाइवल के लिए जी। इसको थोड़ा कम टेम्परेचर ही चाहिए सर्वाइवल के लिए और बरसात में इसलिए क्योंकि बरसात में माध्यम पानी का माध्यम है मॉइस्चर है तो वो सबसे जल्दी इसमें फैलेगा तो बरसात सबसे पहला सीजन है जो हमें बचाव रखना है सेकेंड हमें इसमें सर्दियों में बाकी गर्मी का मौसम है उसमें जनरली ये सरवाइव नहीं कर पाता जी और आपने एक तो घरेलू जो तरीके बताए क्या इसमें भी जैसे हमने कोविड टाइम में किया था कि काढ़ा स्टीम वगैरह ये चीजें हम लेते रहे इसमें ये फायदेमंद होता है क्या बिल्कुल ये सदियों से चले आ रहे उपचार बल्कि मैं तो अपने मरीजों को ये उपचार लेने के लिए करता ही हूँ तो इसमें काढ़ा लेना जरूरी है उसमें चाहे काली मिर्च मेथी अजवैन अदरक शहद वगैरह कुछ भी ले सकते हैं जो घर में अवेलेबल है नींबू हनी शहद भी लेते हैं बाकी दालचीनी तुलसी कई तरह के उपचार हैं वो भी कर सकते हैं और डाइट में एग्स वगैरह ले सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अगर कोई खाता है और ताज़ी सब्जियाँ का उबाल के खाना हो सकता है और दूसरा प्रश्न था वैक्सीन का तो मैं संक्षिप्त उसकी जानकारी दे देता हूँ तो वैक्सीन का क्या है कि समय समय पर डेवलप होते हैं और इनके हमारे बड़ा अच्छा सेंटर है सी पी आर आई कसौली यहाँ पर भी रिसर्च चलती है तो वैक्सीन डेवलप होता है और दिल्ली में है पुणे में है और कोविड की जिस तरह से डेवलप हुई तो उसमें क्या होता है कि वैक्सीन हमें बुज़ुर्गों में विशेषकर और बच्चों में जी। एक शेड्यूल है कि साल भर के अंदर अंदर एक साल में एक बार इन्फ्लुएंजा ए का वैक्सीन लगेगा जी। और न्यूमोकोकल जो वैक्सीन है वो बुजुर्गों में पांच साल में एक बार लगेगा जी। तो वो एक एडिक्वेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बच्चों में भी जो है इन्फ्लुएंजा की आजकल वैक्सीन आ गई है ये शेड्यूल में नहीं है जो नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम है बट इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए आप एक्स्ट्रा वैक्सीनेशन ले सकते हैं बट अब तो सरकार ने भी इनकॉर्पोरेट करने के लिए कुछ मुहिम उठा दी है जी। तो जैसे हम लोग ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो एक रिकवरी पीरियड भी होता है रिकवरी पीरियड क्या रहता है हाँ। पेशेंट्स में देखिए रिकवरी पीरियड डिपेंड करता है हर इंसान का अलग अलग जी तो इसमें जब लक्षण आते हैं प्रॉपर डाइट रेस्ट लिया जाए तो ये विद इन वीक एक हफ्ते के अंदर अंदर रिकवर हो जाता है जी बट किसी कारणवश कोई काम पे जाता है कोई नाइट ड्यूटीज देते हैं कोई सर्दियों में ट्रैवल करते हैं कोई ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है कोई प्रॉपर खाना टाइम से नहीं खा पाता है, तो उसके लिए कई बार जो है दो हफ्ते तक जो है इसके लक्षण रह सकते हैं तो रिकवरी हो सकती जी, है जी। बाकी रिकवरी के लिए डाइट रेस्ट और अपने को आइसोलेट करना ये तीन चीज़ों से रिकवरी जल्दी हो जाती है विद इन इवन फोर फाइव डेज भी देखा गया है कि रिकवरी होने के चांसेस हैं जी तो देखिए जैसे मतलब कोई पेशेंट है मेडिसिन ले रहा है और एक तो कुछ बीमारी की वजह से ही उसमें कुछ कमज़ोरी है तो क्या ट्रीटमेंट के बाद उसको कुछ कमज़ोरी हो सकती है कमज़ोरी रह सकती है किसी पेशेंट के अंदर बिल्कुल पोस्ट वायरल इलनेस जो पोस्ट वायरल सिंड्रोम जो नाम दिया गया है वो इसी को दिया है कि आप किसी भी एक बुज़ुर्ग इंसान में या किसी वायरल जिसको हुआ है कोविड हुआ है उसमें पाया गया है कि कमज़ोरी रहना खून का कम होना इवन हार्ट अटैक के चांसेस का बढ़ जाना बीपी का बढ़ जाना इवन कईयों में देखा गया शुगर हो गया तो इस तरह का कमजोरी आना हो गया है हम तो चाहते हैं कि कमज़ोर ना पड़े तो इसीलिए हम हिदायत देते हैं कि जल्द से जल्द इलाज हो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराई जाए और डाइट और रेस्ट लिया जाए बट किन्हीं कारणवश अगर हो भी जाए तो वैक्सीन पहले लिया जाए और या बाद में भी लिया जा सकता है और उसके बाद जो है सलाह दी जाती है कि समय समय पर महीने दो महीने में जाँच आवश्यक कराई जाए जी। तो देखिए आपके हॉस्पिटल में जो मतलब आपके पास जो इस रोग से ग्रस्त जो पेशेंट्स आते हैं तो वो मतलब किस तरह के पेशेंट्स होते हैं मतलब कैसी क्लास के पेशेंट्स आते हैं देखो हम तभी बोलते हैं कि बच्चों और बुज़ुर्गों का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जी क्योंकि ज़्यादातर जो ये पाए गए हैं जिसमें पॉजिटिव और लंबा समय तक और निमोनिया तक डेवलप हो रहा है वो हो रहा है आफ्टर सिक्सटी ईयर्स जी जी तो जी साठ साल से अधिक या हम तो सीनियर सिटीजन तो चलो सिक्सटी फाइव बोलूँगा पचास पचपन साठ के बाद होना चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, रहते हैं जी बच्चों में लेस देन वन ईयर्स इन्फेंट्स में बहुत कॉमन पाया गया है तो उनमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है आफ्टर इम्यूनिटी डेवलपमेंट जैसे दो तीन साल बाद बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप होती है तो उनमें जनरली कम देखे गए हैं लक्षण तो लेस देन वन ईयर्स में ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है मोर देन सिक्सटी ईयर्स में या बुज़ुर्गों में और जिनमें कोई बीमारी पहले से है एच आई है शुगर है या निमोनिया पहले हुआ है टी की समस्या है किसी को बी की समस्या है कोई मोटापा है मोटापे की समस्या वालों को बड़ी जल्दी कैच करता है जी जी। तो इस तरह का विशेष ध्यान रखना है इन सबसेट्स ऑफ के लिए जी देखिए कई बार हम लोग क्या करते हैं मतलब ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि कुछ हो गया तो सीधा हम अपना गूगल खोल देते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या क्या मेडिसिन लेनी चाहिए आप क्या सलाह देंगे हमारे व्यूअर्स को कि क्या सिर्फ उसी के बेसिस पे हमारे को मेडिसिन खानी चाहिए या डॉक्टर्स के पास भी जाना चाहिए हालांकि मतलब एक स्पेसिफिकली लिखा हुआ होता है कि काइंडली कंसल्ट योर डॉक्टर बिल्कुल देखो मैं तभी बोलता हूँ कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड।, बैड है ना जी। तो मोबाइल एक लिमिटेड जानकारी लेने के लिए बहुत जरूरी अच्छा माध्यम है बहुत अच्छी आविष्कार और बड़ा आगे से आगे इसका रहा है बट बहुत ज्यादा इस पे डिपेंडेंट होना जी। इसकी दवाई का फॉलो करना ओवर द काउंटर ले लेना जी। वो मैं जांच मैं एडवाइज नहीं करूँगा पहले जांच कराई जाए प्रॉपर डॉक्टरी सलाह ली जाए और उसके बाद ही आप आ, उपचार और उसके आ, आ, आगे आ, स्टेप लें जी तो जब ये इलाज चल रहा होता है इलाज के दौरान पेशेंट्स किन किन खास बातों का ध्यान रखें कि हाँ। ये दूसरों को भी ना हो प्लस जो पेशेंट है वो भी किसी तरह के स्ट्रेस में ना आए बिल्कुल तो जैसा कि पहले भी डिस्कस किया इसमें विशेषकर थोड़ा सा आइसोलेशन में रहना ठीक रहेगा और ओवर क्राउडेड प्लेसेज में जाना से हिदायत आ, है कि नहीं जाएँ मास्क का प्रयोग करें जितना हो सके हैंड वॉश करते रहें जी। डाइट प्रॉपर लें फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स दही दूध लस्सी जो भी आप हरी सब्जियाँ एडवाइस करते हैं इवन नॉन वेजिटेरियंस के लिए नॉन वेजिटेरियन खा सकते हैं और एक एडिक्वेट रेस्ट नींद का लेना बहुत जरूरी है नींद से बहुत जल्दी रिकवरी आती है तो अगर एक दो दिन प्रॉपर रेस्ट लिया जाए तो उससे रिकवरी जल्दी होती है कितने घंटे की नींद जरूरी होती है इसमें या फिर नॉर्मली भी हाँ देखिए हमारा अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग रिक्वायरमेंट है स्लीप का भी तो एक नॉर्मल एडल्ट्स के लिए मैं बोलूँगा कि छः से आठ घंटे का जो टाइम है वो एडिक्वेट है स्लीप के लिए अगर चार से छः घंटे का भी होता है तब भी है बट जो टाइमिंग ऑफ स्लीप है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि दस अर्ली बेड अर्ली राइज और रात को देर तक जागना सलाह योग्य नहीं है uh, क्योंकि देखिए जो आज कल का हमारा जो डेली रूटीन है उसमें रात को हम लोग ज़्यादा काम करते हैं और सुबह फिर लेट तक हम लोग जगते नहीं हैं सोए रहते हैं तो कहने का मतलब है कि हर प्रश्न का आंसर भी इसी बात में छुपा है <laughs> कि भाई रात को ना जागा जाए और अर अर्ली बेड अर्ली राइज किया जाए और बीमारियों से बचा जाए जी स्वाइन फ्लू ही नहीं इम्यूनिटी ही नहीं और कई तरह की बीमारियों से जो है अर्लीज लीप से बचा जा सकता है जी डॉक्टर ऋषिंद्र शर्मा आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत ही बेहतरीन जानकारी हमारे दर्शकों को दी आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार तो दर्शकों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और हमारे दर्शकों ने लाभ उठाया होगा हमारे आज के कार्यक्रम का और हमारे दर्शक उम्मीद हम आपसे करते हैं कि जो जो भी आप लोगों को सावधानियां बरतने के लिए कहा गया है ख़ास कर कि बरसातों के इस मौसम में बीमारियों से बचने के लिए तो वो सावधानियाँ आप ज़रूर लेंगे और ज़रूर इन बीमारियों से आप बचेंगे अगले अंक में फिर से आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए हमें आगे आ दीजिए नमस्कार